नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी बेड़ियां, जिसे लिखा है हमारी चहेती लेखिका मालती जोशी जी ने। बस खचा खच भरी हुई थी। वैसे इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। जब से बोनस का चक्कर शुरू हुआ है, राज्य परिवहन की बसों में ओवरलोडिंग आम बात हो गई है। आराम या सुविधा जैसे शब्द ही लुप्त हो गए हैं। भेड़ बकरियों की तरह सवारियां ठूसी जाती हैं, और फिर अगर अपनी बस रास्ते में ही टें बोल जाए तो बस भगवान ही याद आ जाते हैं। उस समय तो यही लग रहा था कि बस पैर रखने भर की जगह मिल जाए। सड़क पर तपस्या करते करते 1.5 घंटा हो चला था। जैसे ही दूर से कोई बस आती दिखाई देती, सब लोग आशान्वित हो खड़े हो जाते। कुछ बसें तो दन दनाती हुई निकल गईं, एक दो रुकी भी तो उनमें केवल फुर्तीली सवारियां ही चढ़ पाईं। मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा था कि अम्मा को संभालूं या सामान को। वह तो कंडक्टर ने तरस खाकर थोड़ी मदद कर दी, नहीं तो सारी रात उस बीमार बस में ही गुजार देनी पड़ती। वह दया निधान हमें चढ़ा कर चलता बना, उसका कर्तव्य वहीं समाप्त हो गया था। अब बैठने की समस्या मुझे ही हल करनी थी। जिधर भी निगाह डालती, सिर ही सिर नजर आ रहे थे, ऊपर से गर्मी की मार। मुझे अपना सोच नहीं था, जिंदगी में इतने धक्के खाए हैं कि बस का सफ़र उसके सामने कुछ नहीं है। मुझे अम्मा की चिंता हो रही थी, वे कितनी देर इस तरह खड़ी रह पाएंगी। अम्मा इते आ जाओ, मैंने आवाज़ की दिशा में सिर उठाकर देखा। एक प्रौढ़ सज्जन अम्मा के लिए जगह बना रहे थे। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैंने शिष्टाचार निभाया। काय की परेशानी बिन्नू, जैसी तुम्हारी अम्मा ऐसी हमारी समझ लो, फिर हमें कौन अब ज़्यादा बैठने हैं। घंडी खांड में हम आओ स्टेशन आओ जात है। मालवा की धरती पर अपनी बोली सुनकर अच्छा सा लगा, जैसे एकदम अपनों के बीच खड़ी हूँ। लोग सच कहते हैं, अपनी भाषा का बड़ा सहारा होता है। मैंने अम्मा को देखा, सहमी सिकुड़ी सी गठरी बनी वह उस सीट पर विराज गई थी। सच, इस समय कोई उन्हें देखे तो क्या विश्वास कर पाएगा कि ये वही अम्मा है जो अगर बोलने पर आ जाएं तो सामने वाले की सातों पीढ़ियां तार कर रख दें, जिनके खौफ से कोई बगीचे की सेम तक नहीं तोड़ सकता। उनकी 31 साल की अनव्याही बिटिया पर डोर डालना तो बहुत दूर की बात है। अम्मा की यह खास तकनीक है, परिचितों के बीच तो वे शेरनी सी दहाड़ती रहती हैं, पर अजनबी माहौल पाते ही ऐसी दयनीय और निरीह बन जाएंगी कि सारी सहानुभूति बटोर लेंगी। बिन्नू तुम आओ, आ जाओ, उत्ते काएं खड़ी हो, अम्मा के मानस पुत्र ने मुझे आवाज़ दी। भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए मैं जब तक वहाँ पहुँची, तब तक उन्होंने कनस्तर पर चादर बिछाकर मेरी आसन व्यवस्था कर दी थी। कृतज्ञता के बोझ से दब सी गई मैं। आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है। फिर मैंने तो अपनों से ही इतनी उपेक्षा झेली है कि जरा सा स्नेह, जरा सा अपनापन भी मन को तरल कर देता है। उन्होंने अब चुनौती और बटुआ निकाल लिया था और वे अम्मा के लिए फरमाइशी मसाला तैयार कर रहे थे। बाई हथेली पर रखे चैतन्य चूर्ण को दाहिने अंगूठे से मसलते हुए उन्होंने पूछा, अपनी बिटिया है? अम्मा ने स्वीकारोक्ति में सिर हिला दिया। अब ही शादी ना भाई का? इस बार अम्मा ने जवाब नहीं दिया। वे मुझे घूरते रहे, शायद मेरे शरीर पर किन्हीं सौभाग्य चिन्हों को खोज रहे हों, या शायद उन्हें कारणों की तलाश हो जिनके कारण मेरी शादी नहीं हो सकी थी। बस जय अकेली बिटिया है कि
अब मैंने अपना ध्यान पर बस गाड़ी के अन्य मुसाफिरों की ओर केंद्रित कर लिया। सबकी उम्र का, जाति का, पेशे का, हैसियत का अनुमान लगाती रही, पर यह सर्वेक्षण बहुत जल्दी समाप्त हो गया क्योंकि जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे। फिर मैंने बस की ताल पर कोई गीत फिट करना चाहा, पर बात नहीं बनी। इस मामले में रेलगाड़ी बढ़िया रहती है, पहियों की संगत पर कोई भी धुन छेड़िए समा बन जाता है। बचपन में गाते थे, जबलपुर के छः छः पैसे, चल रही गाड़ी चल कलकत्ते, और अब इसी ताल पर चल 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 मेरे साथी, या आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए भी मज़े से फिट हो जाता है। इधर अम्मा आंसू पहुँच चुकी थी और करुण शब्दों में अपनी व्यथा कथा सुनाने को तैयार बैठी थी। मैंने किसी पहुँचे हुए योगी की तरह अपनी श्रवणेंद्रियाँ बंद कर ली थी। जब से वह हादसा हुआ है अम्मा अम्मा नहीं रह गई हैं। पता नहीं कितनी बार मुझे सुनना पड़ा है कि राजू की जगह मैं ही मर जाती तो क्या नुकसान हो जाता। अम्मा को कौन समझाए कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, नहीं तो क्या इतनी कड़वी बात सुनकर भी कोई जिंदा रहना चाहेगा। मृत्यु तो उस दिन मेरे द्वार भी आई थी पर दस्तक देकर चली गई, जीवन भर मरणांतक पीड़ा झेलने के लिए। अम्मा मेरे इस अपराध को कभी क्षमा नहीं कर पाई कि इकलौते भाई को मौत के मुँह में ढकेल कर मैं बेदाग बच गई थी। मैंने ही उनसे बेटे बहू का, पोती पोतों का सुख छीना था, उन्हें बेटी के सहारे पलने के लिए बाध्य किया था। अम्मा जब अपना यही अभियोग दोहराने लगती हैं तो कई बार कहने की इच्छा होती है कि पिट जाई बेटी हूँ, इसीलिए सह रही हूँ। बहू तो इस गोलाबारी के सामने चार दिन भी नहीं टिकती, चौथे ही दिन अलग गृहस्थी बसा लेती। कभी कभी लगता है सचमुच ही मेरी नियत में खोट रहा होगा, नहीं तो यह कैसे संभव है कि साइकिल की सीट पर बैठा हुआ वह 14-15 साल का दुधमुहा बच्चा तो ट्रक के नीचे आकर चिथड़ा चिथड़ा हो गया और कैरियर पर बैठी हुई मैं फुटबॉल से छिटक कर दूर जा गिरी। मुझे खरोंच तक ना आई। बस बैरागढ़ पर रुकी तब भान हुआ कि भोपाल आने ही वाला है। वक्त कितनी तेज़ी से बदलता जा रहा है। मेरे देखते देखते भोपाल का चुंगी नाका लाल घाटी से बैरागढ़ पहुंच गया है, पर मेरे जीवन की बैलगाड़ी जहां की तहां खड़ी है। बस के स्टैंड पर लगते ही मैं बदहवास से टिकट खिड़की तक दौड़ गई। वहां पता चला अब 9 बजे से पहले सागर के लिए कोई गाड़ी नहीं है। अम्मा को सामान के पास बिठाकर मैं टिकट की लाइन में खड़ी हो गई। मैंने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि पूरी रात बस स्टैंड पर गुजारना ज़्यादा निरापद है या सागर आधी रात पहुंचना। अम्मा का साथ था जो सहारा कम परेशानी ज़्यादा था। ऐसे नाजुक समय में वे चुप भी रह जाती तो गनीमत थी, पर वे तो जिस दिस के सामने अपना रोना रोए जा रही थी। ऐसे में किसी की नीयत खराब ना होनी हो तो हो जाए। सुनिए, मेरे साथ टिकट खरीदने वाली महिला ने धीरे से कहा, आपको अगर एतराज़ ना हो तो मेरे साथ गैरतगंज उतर जाइएगा, सुबह हम बस में चढ़ा देंगे। उसकी सदाशयता से अभिभूत होते हुए मैंने कहा, सुबह सीट ना मिली तो? उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे घर में पुलिस में है, इंतज़ाम हो जाएगा। पुलिस का नाम सुना और मन कैसा तो हो गया। बाल बच्चों वाली भद्र महिला का विश्वास करने को भी जी ना चाहा। आप बुरा नहीं मानिएगा प्लीज़, मैंने आंटी जी से कहा। पर अम्मा ने दिन भर से मुंह में पानी भी नहीं डाला।
देर सवेर जो भी हो घर पहुंचकर ही राहत मिलेगी। पर मेरी वह सखी अपनी कृपा भाव मुझ पर अंत तक बनाए रही। उतरते समय भी शायद उसने कुछ निर्देश दे दिए थे, क्योंकि सागर पहुंचते ही कंडक्टर ने पास आकर कहा था, बहन जी बता दीजिएगा, मैं वहीं गाड़ी रोक दूंगा। नहीं, रास्ते में नहीं उतरेंगे, सवारी मिलने में दिक्कत होगी, स्टैंड पर ही ले चलो, मैंने कहा। स्टैंड पर पहुँच कर कंडक्टर ने खुद सामान उतरवाया, अम्मा को भी सहारा देकर उतारा। फिर ड्राइवर ने एक साइकिल रिक्शा बुलवाया, मुझसे ठिकाना पूछकर किराया तय किया और फिर गब्बर सिंह स्टाइल में आदेश दिया, चल सामान चढ़ा, ठीक घर तक छोड़कर आइयो, एक पाए भी ज़्यादा ली तो याद रखना। समस्त ड्राइवर जाति के प्रति मन में जो एक पूर्वाग्रह था रिक्शा पर बैठते हुए धुल गया था। उसी रॉ में मैंने कहा, बेचारा अच्छा आदमी था, तो चली जाती हूँ के संग। अम्मा एकदम अपने रंग पर आ गई थी, मैं कानों तक लाल हो आई। रिक्शा वाले ने सुना होगा तो क्या सोचा होगा, क्या किसी पुरुष की तारीफ करना भी अपराध है? अम्मा हर बात में कोई अर्थ क्यों खोजने लगती हैं, या शायद मन ही मन किसी संभावित परिणाम से डरती हैं। मन तो हुआ कि उनकी ही भाषा में जवाब दे दूं, कह दूं मैं तो आज चली जाऊं, बहुत हैं ले जाने वाले, पर तुम मरो तो पहले। उतरते वैशाख की रात थी वह, शायद अष्टमी का चांद रहा होगा। तालाब के किनारे किनारे चलते हुए ठंडी बयार अचानक गुदगुदा जाती थी, पर शरीर और मन इस कदर टूट गया था वह खुशनुमा माहौल भी पुलकित ना कर सका। फिर यह भी एहसास था कि यह हवा, ये चांदनी, ये ताजगी बस थोड़ी देर की है, तो चाचा की उमस भरी कोठरी में ही बैठना है। पिछले कई सालों से बस इन्हीं दिनों यहाँ आना हो पाता है, इसीलिए चाचा का घर और उमस दोनों पर्यावाची बन गए हैं। दूसरे मौसम की मैं कल्पना ही नहीं कर सकती। कौन? दरवाजे पर दस्तक देते ही भीतर से चाचा की खरखराती आवाज़ आई। यही आवाज़ कई बार उनमें बाबूजी का बोध करा देती है। बाकी सब तो कौन है? इस बार आवाज़ कुछ खीजी सी भरी थी। मैं हूँ चाचा, रज्जो, रजनी। आ गई महारानी चौथ वसूलने? चाची की बुदबुदाहट साफ सुनाई दे गई। मैंने अम्मा की ओर देखा, वे निर्लिप्त भाव से सामान सहेजने में लगी थी। मुझे लगा वे इस स्वागत की अभ्यस्त हो गई हैं। आश्चर्य तो यह है कि मैं ही इसे सहज रूप से स्वीकार क्यों नहीं कर पाती। दरवाज़ा खोलते ही चाचा ने लपक कर अम्मा के पांव छुए और सामान उठा लिया। चाची ने भी औपचारिकता निभाई और रसोई में चली गई। वहाँ बर्तनों की उठा पटक कुछ ऐसे सुरताल में शुरू हुई कि भूख प्यास सब जाती रही। दुल्हन से कह दो हम खाली चाय पी हैं, अम्मा ने फरमान जारी किया। मेरी तो चाय पीने की इच्छा नहीं थी, पर अम्मा का ख्याल करके चुप रह जाना पड़ा। उन्होंने दिन भर में मुंह में कुछ नहीं डाला था, और फिर शुरू हुआ दूसरे दिन से मेरा अपने ही घर में अज्ञातवास। अम्मा तो चाचा को लेकर सुबह से ही निकल जाती, कभी खेत, कभी खलिहान, कभी बटाईदार के यहाँ तो कभी लाला के यहाँ। मंडी का एक चक्कर भी नियम से लगता। दोपहर को खा पी कर थोड़ा सुस्ता लेती, फिर शाम को पड़ोस में कुशल छेम पूछने चली जाती। घर में रह जाते चाची और बच्चे, चाची और अम्मा में शुरू से ही नहीं पटी, इसीलिए वे मुझसे भी कटी कटी सी ही रहती आईं। बच्चे लेकिन खूब हिले हुए थे मुझसे, साल भर बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार होता। जितने दिन यहाँ रहती बड़ी जिज्जी के साथ सोने के लिए, खाने के लिए लड़ाई मची रहती।
अम्मा से छिपाकर मैं ढेर सारे खिलौने और मिठाई ले आती थी। उन्हें पाकर बच्चों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठते और मुझे खर्च का मलाल न रहता। पर इधर एक दो वर्षों से देख रही हूँ, इन लोगों में वह ललक ही नहीं रही। किश्नु तो अब भी मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, पर पप्पू और मुन्नू का व्यवहार पहले का सा नहीं रहा। वे दोनों अकारण गंभीर बने मुझे और अम्मा को घूरते रहते हैं। आंखों में एक अजीब सा हिंसक भाव तैरता रहता है। ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग डाकू हैं और उन्हें लूटने आ गए हैं। ये समझदारी उन्हें किसने सिखाई है मैं जानती हूँ, क्योंकि चाची भी खाना परोसेंगी तो यही भाव रहता है, जैसे अपने बच्चों के मुंह का कौर हमें खिला रहे हों। मानो कितनी हंसमुख लड़की थी, जिज्जी जिज्जी कहकर गले में झूल जाया करती थी। पिछले दिनों उसमें भी बदलाव आया है, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा दुनियादार हो गई है। चेहरे पर एक शहीदाना भाव लिए दिन भर साए की तरह माँ के साथ रहेगी, जैसे वही एक हैं जो माँ का दर्द समझ सकती हैं। यहाँ आते हुए मैं 3-4 पत्रिकाएं लेती आई थी, सोचा था कि हमेशा की तरह झपट्टा मारकर उठा लेगी, पर उसने उन्हें छुआ भी नहीं। एक उचटती सी निगाह उन पर डालती हुई बोली, यह फिल्मी इल्मी किताबें पढ़नी हमने छोड़ दी है, बेकार हैं, गृहस्थी में तो ये काम आएंगी नहीं। उसके बुजुर्गाना अंदाज पर मुझे हंसी आ गई थी। अरे वाह, तू तो अभी से घर गृहस्थी की बातें सोचने लगी है। तो ना सोचें, उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं चुप हो गई थी, मानो सचमुच बड़ी हो गई है। बाद में किश्नु ने बताया कि जिज्जी की सगाई हो गई है, दिवाली बाद लगन धरी जाएगी। सुनकर मन में एक टीस सी उठी, पूरे 12 साल छोटी है, मानो मुझसे। और शाम को मैं सामने माथुर साहब के यहाँ चली गई। वैसे इन दिनों किसी के यहाँ भी जाने से कतराने लगी हूँ। लोग बाग सामने ही पूछ लेते हैं, शादी वादी कब कर रही हो? शायद सबने सोच लिया है कि मैं उम्र के उस मोड़ पर आ गई हूँ जहाँ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी कि छुई मुई वाली वयस अब नहीं रही, अब तो शादी करनी होगी। माथुर भाभी ने भी देखते ही सवाल दाग दिया, मिठाई कब खिला रही हो रज्जो, इंतज़ार कर कर के थक गए। मैंने भी निसंकोच होकर जवाब दे दिया, भाभी मिठाई की ऐसी जल्दी है तो किसी को सामने तो खड़ा करो पहले, क्या बिजली के खंभे से फेरे पड़ लूँ? भाभी एकदम गंभीर हो गई, बोली, यही तो मुश्किल है रज्जो। कैसी? सामने कोई खड़ा करें तो कैसे, काकी को तो कोई पसंद नहीं आता, 3-4 लड़के तो हम ही ने दिखाए थे, हर बार कोई ना कोई नुक्स निकाल देती हैं। अब बताओ अपना सोचा सब कहीं मिलता है? ठीक तो कह रही थी भाभी, और फिर मन लायक सब मिल भी जाए तो देने के लिए अपने पास क्या है। पिछले साल मिसिर काका एक अच्छा सा रिश्ता लाए थे, अम्मा उसमें कोई दोष नहीं निकाल पाई थी, पर उन लोगों की मांग जरा ज़्यादा थी। अम्मा ने छूटते ही पूछा था, सब कुछ फूंक दे हैं तो हम खै हैं का? कक्का सुनकर स्तब्ध रह गए थे, फिर भी उन्होंने बड़ी शांति से समझाया था कि खाने की चिंता करना व्यर्थ है, आज के युग में बेटी और बेटे में फर्क नहीं रह गया है। पर अम्मा का पुराणपंथी मन उनकी दलील स्वीकार नहीं कर पाया। फिर उन्हें दामाद से उपेक्षा या अवमानना का भी डर था, वे सभी बातें पहले से ही साफ कर लेना चाहती थीं। 2 घंटे की बहस के बाद कक्का का भी धीरज टूट गया था, खींच कर बोले थे, भौजी आजकल पेट जाए लड़कों का तो भरोसा नहीं रहा, तुम जवाई की गारंटी मांगती हो तो राहन दो। अम्मा ने मुंह बिचका दिया था। वह अध्याय वहीं समाप्त हो गया था। इस साल शायद कोई पहल नहीं हुई, लोग बाग रिश्ते लाने में डरते हैं,
ठाकुर अजयपाल सिंह अपने किसी दोस्त का प्रस्ताव लेकर आए थे, पर दुहाजू का नाम सुनते ही अम्मा जैसे काटने को दौड़ पड़ी थी। ऐसो मत जानियो ठाकुर कि मोड़ी के बाप नहीं है तो चाहे कहीं पटक दऊंगी, उन्होंने ठसक के साथ कहा था और ठाकुर अपना सा मुंह लेकर चले गए थे। मैं भीतर के उसारे में बैठकर सारा वार्तालाप सुन रही थी। मन तो हुआ था कि दौड़कर उनका रास्ता रोक लूं और कहूं, भाई साहब आप अम्मा की बात पर मत जाइए, मुझे रिश्ता मंजूर है, पर अपने ही गांव मोहल्ले में ऐसी बेशर्मी करने की हिम्मत नहीं पड़ी। यहाँ से बहुत दूर जहाँ बाबूजी को कोई नहीं जानता, मैंने एक बार, बस एक बार दुस्साहस किया था। अपने साथ काम करने वाले बिरजू मास्टर का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन प्रस्ताव के मूल में प्रणय का व्यवहार ही अधिक था। उन्हें अपने लिए बीवी की इतनी तलाश नहीं थी, वे तो बहुत मिल रही थी, पर अपनी मातृहीन बेटियों के लिए मुझे जैसे सुशील और सुसंस्कृत माँ की ज़रूरत थी। बेचारों ने बहुत नम्रता से अम्मा के दरबार में अपनी अर्जी पेश की थी, पर अम्मा ने उनके दोनों कुलों का तर्पण कर दिया था। बेचारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। एक दिन चुपचाप वे गांव से खिसक लिए, बाद में तबादला भी करवा लिया। बाद में एक दिन उनकी शादी की भी खबर मिल गई थी। मुनासिब सा दान दहेज लेकर कोई सुकन्या उनके घर पहुंच ही गई थी। हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी थोड़े ही है, मुझे लेकिन कई दिन तक उनकी गुड़िया सी बेटियों के सपने आते रहे और मेरे अंतस में बैठी माँ अपना संचित दुलार उन पर लुटाती रही। मेरे इन सपनों की गंध भी अम्मा पा जाती तो गजब हो जाता। वे तो इसी बात पर हैरान थीं कि शादी की ऐसी क्या उतावली थी कि मुझसे जात कुजात भी नहीं देखी गई। यथावकाश एक दिन अम्मा को मानो की सगाई का पता चल ही गया। मोहल्ले वाले फिर होते किस लिए हैं। उस रात अम्मा ने चाचा को खूब लताड़ा, हम ऐसे पराए थे कि खबर तक ना दई गई। अम्मा देर तक गरजती रहीं, चाचा बेचारे सिर नीचा किए चुपचाप सुनते रहे। आखिर चाची ही पति की ढाल बनकर खड़ी हो गई, बोली, कल को तुम्हें कहन लगतो कि बड़ी तो अबे बैठी है, छोटी की कैसे कर दें, अब हम मोड़ी को कब तक बिठाए रखें, हमें कौन उकी कमाई खानी है। बात लगने वाली थी, इसी उद्देश्य से कही भी गई थी। इसके बाद युद्ध का बिगुल बजना लाजमी था। दोनों देवरानी जेठानी अपने अस्त्र शस्त्र भांज कर मैदान में उतर आईं। वैसे यह भी जैसे एक नियम सा बन गया है, हमारी सागर यात्रा का समापन इसी तरह होता था। मुश्किल से 8-10 दिन ही शांति से कट पाते थे कि एक दिन चिंगारी पड़ जाती, जम कर लड़ाई होती और लड़ाई के तुरंत बाद अम्मा अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देती। इस बीच वे अपना सारा निपटा चुकी होती। खलिहान में रखा अनाज मंडी में पहुंच जाता है और उगाही का पैसा लाला की तिजोरी में। बकौल अम्मा के यह पैसा मेरी शादी के लिए जमा हो रहा है। सोचती हूँ पता नहीं कब इतना रुपया इकट्ठा होगा कि अम्मा मनपसंद दामाद खरीद सकें। तब तक इस उम्र का क्या करूं, वह तो मुट्ठी में रखी रेत की तरह फिसलती जा रही है। लाला के साथ अम्मा की कोई लिखा पढ़ी नहीं है। कई बार डर लगता है कि अगर अम्मा को कभी कुछ हो गया तो लाला सारी रकम डकार जाएगा। चाची कहती हैं, बिन्नू ऐसी भोली नहीं है तुम्हारी अम्मा, भूत बनकर लाला का घर पकड़ लेंगी, पाई पाई उगलवा लेंगी। बस पर छोड़ने के लिए चाचा के साथ किशनू और पप्पू भी आए थे। किशनू के मन में जिज्जी या बड़ी माँ से ज़्यादा कुल्फी का आकर्षण था, जो स्वाभाविक था, पर पप्पू को बतौर जासूस भेजा गया था।
खबर लगते ही मिसिर कक्का, परमानंद, लच्छू पटेल सब पहुंच गए थे। अम्मा उन सब के सामने चाचा को डांट रही थी, चिट्ठी डाल दे हो तो हम आ जाएं, कुछ बन गए हो तो मदद कर दे हैं, आगे फिर तुम्हारी मर्जी है। चाचा सिर झुकाए चुपचाप सुन रहे थे, अम्मा को माँ की जगह मानते आए थे। मुझसे चाचा की यह दुर्दशा देखी नहीं गई तो मैंने अगल बगल दृष्टि दौड़ानी शुरू की। बगल वाली सीट पर एक नव परिणीता ग्राम बाला बैठी थी, शायद गौने पर जा रही थी। कितनी बार कल्पना में अपने को इस तरह विदा होते देखा है। अम्मा से लिपट कर जोर जोर रोई हूँ, पर सपना सपना ही रहा। और अम्मा किसी कड़वे यथार्थ की तरह हमेशा मेरे साथ रही हैं। कंडक्टर ने सीटी दी तो अम्मा किसी महारानी की तरह आलथी पालथी मारकर सीट पर बैठ गईं। सब लोग पलागन कर नीचे उतरते गए। जाते जाते चाचा ने पप्पू की नज़र बचाकर 5 का एक मुड़ा तुड़ा नोट मेरे हाथ पकड़ा दिया। मन एकदम रोने को हो आया। गाड़ी चली और अम्मा एकदम गठरी बनी सीट में दुबक गईं। सवारियों के टिकट पूछता हुआ कंडक्टर पास से गुजरा तो उसे पुकार कर उन्होंने याचना भरे स्वर में कहा, ए भैया, नेक हमारी बोरी देखे रही हो, ऊपर चढ़ी है। उनका वह याचना भरा कातर स्वर कानों को कैसा तो लगता है। पता नहीं क्यों अम्मा घर से बाहर पैर देते ही इतनी असहाय से क्यों हो जाती हैं। कल को अगर घर में मैं ना रहूं तो शायद वहां भी ऐसी ही निरीह निरुपाय बन जाएं। एक कप चाय या 2 फुलकों के लिए देवरानी का मुंह जोहती अम्मा मुझे कल्पना में भी अच्छी नहीं लगती। आश्रय के लिए दामाद की देहरी पर खड़ी अम्मा का चित्र तो और भी करुण है। तभी तो घर से बाहर निकलते मेरे कदम हमेशा रुक गए हैं। आशा है कि यह हृदयस्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।